तरोदा खरीदी केंद्र के भट्टी उप केंद्र पर भारी नुकसान हुआ है। यहां करीब 1700 क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया है। अब इसका परिवहन शुरू कराया गया है। ठेकेदार के अनुसार पिछले करीब एक सप्ताह से परिवहन नहीं हुआ था, जिससे यहां बड़ी संख्या में गेहूं केंद्र पर उपलब्ध था। बारिश में गेहूं भीग गया है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे गेहूं रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि 1700 क्विंटल गेहूं की कीमत करीब 34 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार पिछले एक सप्ताह से गेहूं परिवहन कराने की मांग कर रहा था, लेकिन परिवहन शुरू नहीं हुआ। जब इस बात की जानकारी एसडीएम सतीश राय को मिली, तो वह खरीदी केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने गेहूं का परिवहन शुरू कराया। गेहूँ परिवहन के लिए आसपास के गाँव से ट्रैक्टर ट्रालियाँ बुलाई गई थी, जिससे गेहूँ का परिवहन कराया जा सके। लेकिन मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि यहाँ कीचड़ हो गया है और कीचड़ में वाहन चलना मुश्किल हो जाता है।